जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाटा मोटर्स ने त्योहारों से ठीक पहले अपनी टाटा पंच को भारत में लॉन्च कर दिया। इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि जितनी सारी चीज़ें इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बिकती है, उसका 30% भी जनवरी टू सितंबर के महीने में नहीं बिकती, क्योंकि इंडियन सिर्फ शुभ मौके पर ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, और धनतेरस, दीपावली, इससे बड़ा शुभ मुहूर्त तो कोई हो ही नहीं सकता। यह कंपनी की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। यही कारण है कि टाटा नेक्सॉन और टाटा एल्ट्रॉज के साथ यह कंपनी की तीसरी ऐसी कार है जिसे कार क्रैश टेस्ट में ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब लॉन्च के बाद ही इसका सीधा मुकाबला अब निशान मैग्नाइट के साथ हो चुका है। और बता दें कि मैग्नाइट कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक है। आज हम इन दोनों कारों का स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन करने जा रहे हैं, तो इसके बाद आप खुद तय कर सकेंगे कि 6 लाख रुपए की कीमत में इनमें से कौन सी कार आपके लिए सूटेबल रहेगी या किफ़ायती रहेगी। अब इंजन की बात करें तो टाटा पंच माइक्रो एसयूवी में पावर के लिए 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और जबकि भारतीय बाजार में निसान मैग्नाइट 2 इंजन में आती है, पहला 1 लीटर का पेट्रोल और दूसरा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल शामिल है इसमें। अब इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टाटा पंच को 6000 RPM पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 RPM पर 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरी ओर निसान मैग्नाइट का 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन 6250 RPM पर 72 PS का पावर और 3500 RPM पर 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 5000 RPM पर 100 PS का पावर और 2800 से 3600 RPM पर 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा पंच में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 5 स्पीड ऑटोमेटिक का भी विकल्प मिलता है। वहीं निसान मैग्नाइट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ CVT का विकल्प मौजूद है। टाटा पंच में 4 वेरिएंट आते हैं, इनमें प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव शामिल हैं। वहीं निसान मैग्नाइट में भी 4 ट्रिम्स में आती है, इनमें XE, XL, XV एंड XV प्रीमियम भी शामिल है। टाटा पंच में कुल 7 कलर ऑप्शन आती है, वहीं निसान मैग्नाइट में कुल 8 कलर ऑप्शन में आती है। टाटा पंच में 37 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक दिया गया है, वहीं निसान मैग्नाइट में 40 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक दिया गया है। डायमेंशंस की बात की जाए तो टाटा पंच की लंबाई 3827 mm और चौड़ाई 1742 mm और ऊंचाई 1615 mm है। इनमें 2445 mm का व्हील बेस दिया गया है। वहीं निसान मैग्नाइट की लंबाई 3994 mm है, लगभग 4 मीटर, चौड़ाई 1758 mm और ऊंचाई 1572 mm, इसका व्हील बेस 2500 mm है। टाटा पंच की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम की कीमत है 5.49 लाख रुपीज और निशान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत है 5.71 लाख रुपीज। तो ये था टाटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। आप अपने हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा सूटेबल है, कौन से आपको फीचर्स हैं, ये आप अपने हिसाब से कार चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम इसका वेरिएंट वाइज वीडियो ले आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसका डिटेल वेरिएंट एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से आपको कौन सा सूटेबल वेरिएंट लेना चाहिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करना चाहें तो कर लें। थैंक यू सो मच।